हे दोस्तों, आज हम ये वीडियो के अंदर बात करेंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन की ही मदद से एक प्रोफेशनल लुकिंग कार्टून वीडियोस कैसे क्रिएट करना है। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट के बिना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के मैं वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसको यूज़ करके पुराने ज़माने में कार्टून वीडियोस क्रिएट किया जाता था, उस मेथड को यूज़ करके दोस्तों आज आपको मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन की ही मदद से कार्टून वीडियोस कैसे क्रिएट करना है सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट के बिना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप एक छोटा प्रीव्यू देख लीजिए आज हम किस तरह का कार्टून वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले एक ऐप को इंस्टॉल करना है जो कि वीडियो एडिटिंग ऐप है जिसका नाम है काइनमास्टर। दोस्तों आपके पास अगर काइनमास्टर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहां आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर से डाउनलोड कर लेना। कर देने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली काइनमास्टर ओपन करना है। दोस्तों देख सकते हो ये सिंपली ओपन हो चुका है। अभी हम यहाँ पर सिंपली प्लस मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे और ये 16:9 रेशियो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसा ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, मीडिया के अंदर जाना है और यहाँ पर से बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों इतने सारे आपको बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, जो भी कलर का बैकग्राउंड आपको अच्छा लगता है वो बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ये बैकग्राउंड अच्छा लगता है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो इसकी लेयर आपको यहाँ पर शो कर रही है, सिंपली इसके ऊपर आपको एक बार टच कर देना है। कर देने के बाद में दोस्तों जितनी मिनट का जितने सेकंड्स का आपका कार्टून वीडियो बनाना चाहते हो उतना सेकंड का बैकग्राउंड इसे कुछ इस तरह से कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 12 सेकंड का ये वीडियो अभी बना रहा हूँ मैं। चलिए इसको इस तरह से फर्स्ट पोजीशन पे ला लेना है और यहाँ पर इसको कर देना है सिंपली ओके। ओके करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर मैं थोड़े फुटेज यूज़ करूँगा। इन सारे फुटेज की लिंक दोस्तों आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली जाना है लेयर में और मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी हम दोस्तों यहाँ पर एक फोल्डर ओपन करेंगे जहाँ पर मैं कुछ इस तरह की इमेजेस क्रिएट करके रखा है, दे दूंगा इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देख लेना एक बार, डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों एक देख सकते हो एक रोड जैसी इमेज है। आपको सबसे पहले बैकग्राउंड और उसका जो कुछ भी लेआउट होता है उसको यहाँ पर से क्रिएट करना होगा। तो हम दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले रोड को सेट करेंगे और दोस्तों इसकी ड्यूरेशन आप देख सकते हो जितना बैकग्राउंड वाली लेयर है उतनी नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह से इसकी ड्यूरेशन फुल कर देना है और फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है और इसको भी कर देना है सिंपली ओके। अभी दोस्तों हम फिर से जाएंगे लेयर के अंदर और दोस्तों फिर वही प्रोसेस को यूज़ करके और एक फुटेज को भी हम यहाँ पर से लोड कर लेंगे। तो दोस्तों ये कुछ एक दुकान जैसी एक इमेज क्रिएट करा है क्योंकि दोस्तों बैकग्राउंड में दुकानें भी होते हैं, तो इस तरह से हम एक फुटेज यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर साइड पर रख देना है और इसकी भी ड्यूरेशन जितना बैकग्राउंड है उतना कर लीजिए। देन अभी हम दोस्तों क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर पॉप वाले एनिमेशन बहुत सारे आपको एनिमेशन यहाँ पर मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद आता है वो टाइप का एनिमेशन आप यहाँ पर लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली पॉप ओपन करके मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का एनिमेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, देख सकते हो। अभी हम इसको कर देंगे सिंपली ओके। ओके करने के बाद में दोस्तों उसी दुकान वाली लेयर के ऊपर आपको टच करना है, राइट स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है और यहाँ पर एक की का ऑप्शन मिलेगा आपको, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। कर देने के बाद में दोस्तों पूरा एंड पॉइंट पर आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एंड पॉइंट पर आने के बाद आपकी जो ये दुकान वाली जो लेयर है, सॉरी फुटेज है, इसको पकड़ करके यहाँ पर इस तरह से लास्ट में कर देना है। परफेक्ट, अब इसको कर दीजिए सिंपली ओके। तो दोस्तों चलिए एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का एनिमेशन आपको यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अभी हम दोस्तों यहाँ पर और एक फुटेज यूज़ करेंगे जिसके भी लिंक दोस्तों आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों एक ग्रीन स्क्रीन वाली फुटेज है, इस तरह की फुटेज आपको बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप चाहो तो सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस तरह की एक इमेज यूज़ करूँगा, एक लड़की है जो कि रोड पर चल रही है। अभी हम इस तरह से इसको बिठाएंगे, राइट, और दोस्तों इस तरह से इसके ऊपर बिठाने के बाद आप यहाँ पर राइट साइड पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रोमा की, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये डिसेबल होगा, सिंपली इसको एनेबल कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप इसको एनेबल करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो इसका ग्रीन कलर का बैकग्राउंड जा चुका है, राइट। चलिए अभी आपको मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ।
दोस्तों देख सकते हो बहुत ही प्रोफेशनल लुक आपको यहाँ पर मिल रहा है। और दोस्तों और भी आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके बहुत ही अमेजिंग तरीके से इस तरह के वीडियोस आप दोस्तों क्रिएट कर सकते हो। चलिए और कुछ मैं थोड़ा ऐड करके आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए दोस्तों अभी आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ इस बार आपको ये कैसे दिखता है। दोस्तों देख सकते हो बहुत ही अच्छा लुक आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से इस प्रोसेस को यूज़ करके आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके कुछ इस तरह के प्रोफेशनल लुकिंग कार्टून वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर से दोस्तों आपको मेरी बनाई वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बताना आपको वीडियो पसंद आ रही है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोस्तों इसी तरह के लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हेल्पफुल वीडियोज़ दोस्तों आपके लिए मैं लाते रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। जब तक Take care and goodbye.